नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर। और स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं आईपीएल 2020 से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। ऐसे कौन से नियमों में बदलाव होते हुए देखने को मिलेंगे अगर आईपीएल 2020 होता है तो। आपको बताएं दोस्तों, किस प्रकार से कोविड-19 के खतरे को देखते हुए आईपीएल के मौजूदा सीजन की पहले से ही अनिश्चितकाल तक डेट टाल दी गई है। लेकिन दोस्तों खबरों के मुताबिक सितंबर महीने के लास्ट में हमें आईपीएल की रंग रौनक देखने को मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। अगर वह शर्त यह है कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं होता है, T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा तो आईपीएल 2020 की रंग रौनक देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं आईपीएल 2020 के कुछ बड़े नियमों को लेकर जो खबरों के मुताबिक अभी तक सामने आए हैं। जहां दोस्तों खबरों के मुताबिक और मीडिया लीडिंग वेबसाइट्स के मुताबिक यह टूर्नामेंट 36 दिन तक का होगा। 36 दिन के अंदर 60 मैचेस खेले जाएंगे, हर रोज दो दो मैच खेले जाएंगे, जिसके चलते आईपीएल के सीजन के कम दिनों में ही इस सीजन का निपटाया जा सके और हमें कोई और विजेता मिल जाए इस साल। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कुछ और बड़े बदलाव भी हुए हैं। जैसे कि हमें पहले देखने को मिलता था शनिवार और रविवार दो दो मुकाबले होते थे वीकेंड के दिनों में, लेकिन अब हर रोज अगर आईपीएल होगा तो हर रोज दो दो मुकाबले देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही हमें कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे इसके जो प्ले ऑफ होते हैं उसमें, क्योंकि हमें देखने को मिलता था किस प्रकार इस बार प्ले ऑफ जैसा फॉर्मेट नहीं होगा, क्योंकि प्ले ऑफ में क्वालिफायर 1 एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 होता था। इस बार लीग मुकाबले के बाद टॉप 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, ऐसा कुछ खबरें सामने आई हैं। बोर्ड की पूरी कोशिश की है कि विदेशी खिलाड़ियों को भी लीग में उतारा जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश में किसी और विदेशी खिलाड़ी को इस समय बुलाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन ऐसे में 14 दिन का क्वारंटाइन और उसके बाद उसकी हेल्थ पर नज़र रखना काफ़ी ध्यान पूर्वक वाला काम बन जाएगा। दोस्तों प्ले ऑफ में हमें सीधा 4 टीमें जाते हुए देखने को मिलेंगी अगर आईपीएल 2020 होता है। 4 टीमें जब पहुंचेंगी तो उनके बीच में जो फर्स्ट और सेकंड टीम होगी उनके बीच में सेमीफाइनल खेला जाएगा, थर्ड और फोर्थ होगी उसके बीच में सेमीफाइनल खेला जाएगा। उसके बाद जो उन दोनों में चारों मैच उन मैचेस में जो जीतेगा वो टीम लास्ट में फाइनल खेलेगी। फाइनल का नतीजा आप सभी के सामने होगा। तो यानी दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि 36 दिनों के अंदर 60 मैचेस खेले जा सकते हैं। खबरों के मुताबिक हर रोज दो दो मैच होंगे और क्वालिफायर जैसा एलिमिनेटर जैसा कुछ चीज़ नहीं देखने को मिलेगा, और साथ ही घरेलू मैदान में सिर्फ घरेलू एम्पायर ही देखने को मिलेंगे, ना कि विदेशी कोई एम्पायर बुलाया जाएगा। विदेशी खिलाड़ियों को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर T20 वर्ल्ड कप होता है तो IPL होना असंभव है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में सारे विदेशी खिलाड़ी से लेकर हमारे देश के खिलाड़ी भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप काफ़ी मायने रखता है अपनी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों IPL की कुछ ये बड़ी खबरें थी। अगर दोस्तों IPL 2020 नहीं होता है तो आपको बता दें खबरों के मुताबिक आईपीएल के नहीं होने से बोर्ड को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा जो खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए में खिलाड़ी बिके थे उनकी सैलरी पर भी नुकसान देखने को मिलेगा, यानी कि उनको करोड़ों रुपए नहीं मिलेंगे। जैसे कि पैट कमिंस देखने को मिले थे कितने महंगे बिके थे, विराट कोहली जो 17 से 18 करोड़ में बिकते हैं उनको भी एक भी रुपया नहीं मिलेगा। 4,000 करोड़ का नुकसान ऊपर से खिलाड़ियों का नुकसान, यानी कि उनकी सैलरी का नुकसान। तो यानी कुल मिला के हर तरफ से नुकसान वाली बात हो जाएगी IPL 2020 नहीं होता है। इसी वजह से बोर्ड ये कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है कि IPL 2020 किसी भी तरीके से संभव कराया जा सके। दोस्तों अगर देखा जाए तो IPL 2020 इंडिया देश में किस प्रकार से कोरोना वायरस काफ़ी तेजी से फैल रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए किसी और देश में कोरोना वायरस का खतरा ना हो उस देश में IPL 2020 का आयोजन कराना संभव समझा जा रहा है। क्योंकि जैसे कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया या जैसे किसी और देश में, यानी कि किसी और देश में हमें IPL 2020 का होना संभव माना जा सकता है। जैसे UAE और श्रीलंका दो देशों के नाम अभी तक सामने आए हैं। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।